of initiating Allah who is the most merciful and the most gracious good morning and assalamualaikum how are you all I hope you all are fine and doing well again I welcome you all to the online classes I hope you all have enjoyed the vacations well so today we are going to do about shapes open your copies first यू हैव टू ड्रा मार्जन लाइन्स ऑन द बोथ साइट ठीक है आपने बोथ साइड्स पर मार्जन लाइन ड्रा करनी है आफ्टर डैट आपने डेट मैंशन करनी है वर्ट डेट इज़ टू डेट टू डे इज़ ट्वेल्थ वन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन जैसे मैंने की है वैसे ही आप लोगों ने भी करनी है उसके बाद आपने लिखना है टॉपिक नेम टॉपिक नेम इज़ शेप्स रेफरेंस बुक पेज नंबर वन वन सिक्स फाइन प्रीवियस लेक्चर में हमने शेप्स बेसिक शेप्स के बारे में डिस्कस किया था स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल के बारे में तो आज हम डिस्कस करेंगे डायमंड और काइट यानी मोर शेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे फाइन अब हम आपने हेडिंग देनी है डायमंड की ठीक है और आपने डबल अंडरलाइन कर लेना है आफ्टर डैट आपने एक डायमंड ड्रॉ भी करना है जैसे मैंने किया है फ़ाइन इसके बाद आपने लिखना है दिस इज़ अ डायमंड ये एक डायमंड है इट हैज़ फोर साइड्स इसकी फोर साइड्स हैं हाउ देखिये वन टू थ्री फोर फोर साइड्स हैं ऑल साइड्स आर इक्वल यानी जो ऑल फोर साइड्स हैं वो क्या हैं इक्वल हैं बराबर हैं ठीक है थीके? कोई छोटी नहीं है कोई बड़ी नहीं है तमाम फोर साइड जो हैं वो बराबर है इक्वल है इट हैज़ फोर कॉर्नर्स इसके कितने कॉर्नर्स हैं फोर कॉर्नर्स हैं देखिए वन टू थ्री फोर फाइन आपने इसी तरह से लिखना है आफ्टर डैट फिर हम डिस्कस करेंगे काइट के बारे में अब आपने काइट की हेडिंग देनी है एक लाइन छोड़ के आपने काइट लिखना है उसको डबल अंडरलाइन कर लेना है फाइन फिर उसके बाद आपने एक काइट भी ड्रॉ करनी है जैसे मैंने की है ठीक है फिर आपने लिखना है दिस इज अ काइट ये एक काइट है इट हैज फोर साइड्स इसकी कितनी साइड्स है देखिए फोर साइड्स हैं वन टू थ्री फोर द इक्वल साइड्स आर एडजेसेंट यानी इक्वल साइड्स क्या है एडजेसेंट है करीब हैं इक्वल साइड्स हैं देखिए इक्वल साइड्स आर एडज यानी इक्वल साइड जो हैं वो एक दूसरे के करीब है फाइन नियर है इट हैज़ फोर कॉर्नर्स इसके भी कितने कॉर्नर्स हैं इसके भी फोर कॉर्नरस हैं नेक्स्ट वन इज एरोड आप देखें आपने अगेन एक लाइन छोड़ के एरो हेड लिखना है और सेम एज इट इज जैसे मैंने ड्रॉ किया है आपने भी ड्रॉ करना है फ़ाइन आपने डेट ज़रूर मेंशन करनी है नाउ दिस इज़ एन एरो हेड ये क्या है एक एरो हेड है इट हैज़ फोर साइड्स इसकी भी कितनी साइड्स हैं फोर साइड्स है देखिए वन टू थ्री फोर ठीक है इट हैज़ एन इट हैज़ फोर साइड्स इट हैज़ फोर कॉर्नर्स इसके भी कितने कॉर्नर्स हैं फोर कॉर्नर्स हैं कॉर्नर्स को हम वर्टिक्स भी कहते हैं वन टू थ्री फोर इसके कितने कॉर्नर्स हैं फोर कॉर्नर्स हैं इट हैज़ टू पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स इसके जो है टू पेयर्स जो हैं वो बिल्कुल इक्वल साइड्स हैं ठीक है देखिए इसके टू पेयर जो हैं वो इक्वल्स हैं वन टू ठीक है पेयर जो हैं वो इक्वल हैं द इक्वल साइड्स आर एडजेंड अगेन वही जो इक्वल साइड्स हैं वो क्या है एडजस्टेंड है यानी एक दूसरे के करीब है देखिए करीब है ठीक है या आपने अपनी कॉपिस में लिखना है आई होप क्या आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा इट्स एनफ फॉर टूडे Thank you. Allah Hafiz.